गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना चाहिए। तो गाइज, हम लोग पता ही आप लोगों को देहरादून के मसूरी में है, तो अभी मसूरी का हमारा डे टू है। तो बाहर का मौसम का हाल दिखाता हूँ मैं सुबह सुबह का। ये देखो, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ पे मौसम कभी बादल आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, वैसे ही हो रहे हैं। हमले अच्छे से यहाँ से ड्रोन भी नहीं उड़ा पाए, तो देख सकते हो अभी वेदर ख़राब है। तो वो करते हैं, अगर अच्छा वेदर आ तो चक्राता जाएंगे, नहीं तो फिर यहीं मसूरी के आसपास का कहीं अच्छा सा डेस्टिनेशन चूज करके वहाँ पे जाएंगे। अभी हमने फाइनल नहीं किया है। यहाँ पे देखो, कल वाली बंदर अभी भी यहीं पे बैठे हुए हैं। तो देखो, रूम कुछ हमारा इस तरह से। कल मैंने रूम टूर नहीं दिया था, रूम कोई खास नहीं था, ठीक ठाक था, खाना भी इतना अच्छा नहीं था और बेसिक सा रूम था, हमने ठीक ठाक प्राइस में लिया है। तो अभी यहाँ से चेकआउट करके चलते हैं ऊपर रिसेप्शन में और वहाँ से सीधा आपको मिलते हैं आगे। लेट्स गो। तो गाइस, हम लोग अभी यहाँ पे मॉल रोड के जस्ट सामने, तो यहाँ पे अभी वेदर पूरा बादल से ढका हुआ है। देखो, और हमारा होटल था ये वाला जस्ट मॉल रोड के नीचे, यहाँ पे व्यू पॉइंट से नीचे होटल लक्ष्मी पैलेस। तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और ये देखो, ये सामने गुरुद्वारा, और कोई खास व्यू दिख नहीं रहा है, हमारी बाइक की खड़ी है। तो अभी फटाफट से निकलते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारे प्लान में चेंज हो चुका है, हम लोग जा रहे हैं धनौल्टी। अभी हम लोग मसूरी से 10 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और 20 किलोमीटर और आगे। तो गाइस, हम लोग अभी धनौल्टी जाते टाइम बीच रास्ते में रुके हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा फॉग है, आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा फॉग है, बिल्कुल डार्क फॉग है, थोड़ा सा आगे भी दिख नहीं पा रहा है 100 मीटर आगे भी। और हम लोग यहाँ पे अभी रुके हुए हैं, खड़ी है बाइक, पर यहाँ से यहाँ तक का भी थोड़ा इतना क्लियर नहीं दिख पा रहा है, पूरा जो शीतलहर बोलते हैं वो चल रहा है, तो थोड़ा इतना गिर है और हवा भी चल रहा है बहुत ठंडी ठंडी। तो कैसे यहाँ पे अभी देखो, थोड़ा सा मौसम खुला हुआ है, वहाँ पे वेदर चेकआउट कर सकते हो कैसा है। पूरा बादल यहाँ पे उड़ रहे हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है यहाँ से। तो इस रोड से होते हुए आए हम लोग अभी उधर। देखो, अभी एकदम से मिनट मिनट में वेदर चेंज होता है। देखो यहाँ पे अभी बादल एकदम से उठ रहे हैं और एकदम से गायब हो जा रहे हैं। देखो कितनी तेज़ी में उठ रहे हैं बादल। गाइज, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं धनौल्टी में, आप देख सकते हो, चेकआउट करो यहाँ पे वेदर। ये देखो, अभी एक सेकंड के लिए खुला हुआ है यहाँ पे, अभी 2 मिनट में ये दोबारा से बादल से कवर हो जाएगा। हम लोग अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रहे, अभी 2 मिनट के लिए खुल रहा है वेदर और 2 मिनट के लिए बिल्कुल बंद हो रहा है। तो अगर यहाँ पर बादल आ गया तो कुछ दिखता ही नहीं है, ये देख पा रहे हो अभी यहाँ पर बिल्कुल उड़ता हुआ आएगा बादल। यहाँ पर हम लोग अभी यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हुए हैं द क्वीन गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट में। ये हमारी बाइक खड़ी है और यहाँ से बाहर जाके बालकनी से वेदर चेक कराता हूँ। देखो गाइस, यहाँ पे इधर साइड में खुला हुआ है, अभी बादल ऊपर चढ़ रहे हैं। देखो उधर, यहाँ पे 1 मिनट में ऊपर अब आ चुके हैं बादल। तो गाइस, हम लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं तो धनौल्टी में, अभी वेदर खुलने का इंतजार कर रहे हैं। आप चेकआउट करो यहाँ पे वेदर, थोड़ा ऐसे फॉग फॉग हो रखा है। जब भी मैं टाइम लैप्स पे लगा देता हूँ कैमरा, तब से एकदम से बादल आ जाता है, तो ढंग से ना हम लोग ड्रोन उड़ा पा रहे हैं ना हम लोग अभी यहाँ पे वीडियो बना पा रहे हैं। अभी हल्का सा दिख रहा है आपको नीचे से वेदर खुल रहा है, तो जैसे ही वेदर खुलेगा हम लोग ट्राई करेंगे अच्छे से टाइम लैप्स बनाने की और अच्छे से आप लोगों को वीडियो एक्सप्लोर करने की। तो अभी आगे जाने का फ़ायदा नहीं है शायद, हम लोग अभी वापस जाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है और अच्छे से व्यू वगैरह वीडियो नहीं बना पा रहे। तो अभी तुरंत से जल्दी से वेदर खुल रहा है, आप चेकआउट करो नीचे। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा था तब से वेदर एकदम से खुलने लग गया। देखो गाइस, कुछ सेकंड लगते हैं यहाँ पे वेदर खुलने में ना, अभी तक मैंने टाइम लैप्स लगा रखा था तब से वेदर खुल नहीं रहा था, काफ़ी 20-25 मिनट हो गया, अभी देखो एकदम से खुल गया है वेदर। तो अभी वहाँ से फटाफट से जाके थोड़ा सा टाइम लैप्स बनाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स गो। कैसे मैं जैसे ही टाइम लैप्स बनाने के चला गया,
तो वहाँ देखो अभी एकदम से खत्म कवर हो चुका है अभी बादल से। तो बेसिकली गाइस जो धनौल्टी है वो यहाँ का क्वाइट हिल स्टेशन है, जो कि यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं रहता है। आपने मसूरी सुना होगा, क्वींस ऑफ हिल्स, वहाँ पे तो काफ़ी क्राउड रहता है, वहाँ पे पब्लिक बहुत आते हैं। तो यहाँ पे इतने पब्लिक आते नहीं है, थोड़ा मसूरी से 40 किलोमीटर दूर है, तो काफ़ी अच्छा हिमालयन रेंज दिखता है और सी लेवल से 2286 मीटर ऊपर में, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप यहाँ आके चिल आउट कर सकते हो बड़े आराम से। तो अभी हम लोग देखते हैं आगे क्या करते हैं, थोड़ा वेदर हमारा साथ नहीं दे रहे, तो आगे वेदर खुलेगा तो आप लोगों को ड्रोन शॉट और सिनेमेटिक दिखाते हैं। देखो भाई जब यहाँ पे 2 मिनट में वेदर खुल गया था, अभी देखो कैसे तेज़ी में बादल उड़ता हुआ जा रहे हैं, हल्का सा धूप भी दिख रहा है, थोड़ा मौसम का पता ही नहीं है जी यहाँ। लेकिन यहाँ पे अगर मौसम खुल गया ना, इतना ब्यूटीफुल दिखता है यहाँ से कि आपको क्या ही बताऊँ मैं। बहुत सुंदर जगह है गाइस, ये देखो ये बादल ऐसे तेजी में फॉग उड़ता हुआ इधर जा रहे। हल्का सा यहाँ पे वेदर खुल चुका है, तो देखो अभी धूप भी निकल चुकी है अभी यहाँ पे, ये देखो अब इधर से देखो कितने तेजी से बादल आ रहे हैं, ये देखो इधर से भी आ रहे हैं और इधर से देखो इतने तेजी में। अब ये देखो दूर तक यहाँ पे थोड़ा वेदर खुला हुआ है, और यहाँ पे नीचे गाइज एडवेंचर करने के लिए बहुत कुछ है। वहाँ पे देखो गाइज अब थोड़ा सा सुंदर लग रहा है, यहाँ के सारे बादल, यहाँ के पास पास के बादल उधर उधर जा चुके हैं दूर दूर, और इधर से आ रहे हैं बादल और इधर से, ये देखो क्या ही मौसम है, एक एक सेकंड में चेंज हो रहा है मौसम। यहाँ के भी अब शायद ऊपर पर चले जाएंगे ये बादल, और इधर से आ रहे बहुत तेज़ी में, वो वहाँ के बादल थोड़ा ऊपर ऊपर पहाड़ में जा चुके हैं। देखते हैं अभी 15-20 मिनट तक वेदर खुलने का चांसेस लग रहा है। अभी गाइस फिलहाल यहाँ पे आसपास से पूरा फॉग हट चुका है, देखो अभी वहाँ पे ऊपर से तेज़ी में आ रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा अच्छा सा व्यू आ रहा है, चेक आउट द व्यू। वो दूर दूर थोड़ा बाल काले काले बादल आ चुके हैं, अभी बारिश भी हो सकता है। देखो यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर ये कितने काले बादल हैं। फाइनली यहाँ पे थोड़ा वेदर खुल चुका है, तो हमने थोड़ा सा शॉट ले लिया, तो आपको प्रीवियसली वहाँ पे ड्रोन शॉट और सिनेमेटिक देखने को मिलेगा। ये देखो गाइस फाइनली हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करवा पाए धनौल्टी, ये देखो गाइस कितना ब्यूटीफुल है, सच अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन गाइस। ये ब्लॉग में मैंने धनौल्टी पूरा एक्सप्लोर करवाने की कोशिश किया, जो कि मानसून सीजन में गए थे हम लोग, तो वहाँ पे वेदर ने थोड़ा सा हमारा साथ नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फॉग आ रहे थे, इसलिए हम लोग पूरा व्यू वगैरह नहीं देखा पाए वहाँ, नहीं तो वहाँ से पूरा माउंटेन रेंज दिखता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा जितना हो पाया उतना मैंने एक्सप्लोर करवाया, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस फाइनली हम लोग धनौल्टी से वापस घर पर आ चुके हैं, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग धनौल्टी में सुरकंडा देवी माता के मंदिर में जाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।